हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे फिश करी। फिश करी खाने में बहुत अच्छी लगती है और बहुत आसानी से इसको घर पे बना सकते हैं। तो चलिए अपने फिश के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। फिश लिया है हमने 1 केजी। ये रोहू फिश है, इसको हमने अच्छी तरह से नींबू और नमक डाल के अच्छी तरह से धुल लिया है जिससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। हरी मिर्च लिया है हमने 2 बारीक कटी हुई, नींबू, हरी धनिया बारीक कटी हुई, लहसुन और अदरक को हमने कूट लिया है, 2 प्याज लिया है हमने बारीक कटा हुआ, और इसमें हमने प्याज, सरसों और हरी मिर्च इसका पेस्ट बना लिया है हमने। कुछ मसाले लिए हैं हमने, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कुछ साबुत मसाले लिए हैं हमने जिसमें जीरा, मेथी, दालचीनी, 3 लौंग, 4-5 काली मिर्च और 2 इलायची, 1 चम्मच नमक। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, इसमें फिश बहुत ही अच्छी बनती है, तो आप भी यही यूज करें। इसको गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, इसमें जो हमने साबुत मसाले लिए थे उसको डाल देते हैं। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देते हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे। प्याज को मिक्स करते हुए इसको हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे लहसुन और अदरक कुटा हुआ। इसको भी 30 सेकेंड तक भून लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन और प्याज का पेस्ट। इसमें हमने राई और मिर्च, लहसुन सब पीस लिया है। इसको मिक्स कर लेंगे। आप जब भी फिश बना रहे हो राई का पेस्ट ज़रूर डालें, उससे इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। इसको भून लेंगे 2-3 मिनट तक। राई का पेस्ट हमारा भून गया है। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं हल्दी। धनिया पाउडर। अब इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मसालों को भून लेंगे। इसमें नमक ऐड कर देते हैं।
नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मसाले हमारे भुन गए हैं, अब इसमें फिश डाल देते हैं। फिश हमने डाल लिया है, इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह से। फिश हमने डाल दिया है, इसको दो मिनट तक भून लेंगे। इसमें डाल देते हैं आमचूर पाउडर, इसको हम लास्ट में डालेंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फिश को हमने मसालों के साथ दो मिनट तक भून लिया है, अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। इसमें हमने टोटल 2 कप पानी यूज किया है, आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं जितनी ग्रेवी रखनी हो आपको। इसको कवर कर देते हैं, इसको 20 मिनट तक इस तरह से कुक करेंगे। फिश हमारी पक चुकी है, इसको सर्व कर लेते हैं। फिश हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं इसको, ये कितनी अच्छी दिख रही है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। अब इसमें नींबू डाल देते हैं। इसमें नींबू जरूर डालें, इससे टेस्ट इसका बढ़ जाता है। हरी धनिया, फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी फिश करी तैयार हो गई है। ये बहुत ही अच्छी दिख रही है और स्वादिष्ट भी होगी। फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। आप भी इसको अपने घर में ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से और जल्दी बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।